एक्सिस बैंक का इस क्रेडिट कार्ड कैशबैक कैटेगरी का एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जहां पर आपको मिनिमम 2% का कैशबैक मिलता है और मैक्सिमम 5% तक का कैशबैक मिलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल में जानते हैं कि आपको इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कितने बेनिफिट्स होते हैं और इसी के साथ साथ इस कार्ड के फीस और चार्जेस कितने हैं, और अगर आप लोग इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में आपको ये भी पता चलेगा। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स एंड बेनिफिट्स की। सबसे पहला बेनिफिट एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड का है वो है कैशबैक्स। नंबर वन, अगर आप लोग एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके बिल का पेमेंट करते हैं, मतलब कि यूटिलिटी बिल का पेमेंट करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का बिल, गैस और अदर चीजें, तो इस कैटेगरी में आपके ट्रांजेक्शन अमाउंट पर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। लेट्स अगर आप लोग इस कैटेगरी में 1000 रुपीज की स्पेंडिंग करते हैं तो आपको 1000 के ट्रांजेक्शन पर 5% का कैशबैक यानी कि 50 रुपीज कैशबैक के तौर पर मिलेंगे। लेकिन एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड को इस कैटेगरी में यूज करने से पहले आपको इस कार्ड को गूगल पे के साथ लिंक करना पड़ेगा और सारी की सारी पेमेंट जो है वो गूगल पे के थ्रू करनी पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं 4% कैशबैक कैटेगरी की। अगर आप लोग एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं जोमेटो, उबर या ओला पर, तो आपके ट्रांजेक्शन अमाउंट पर आपको 4% तक का कैशबैक मिलेगा। मतलब कि सेम एग्जांपल, अगर आप लोग 1000 रुपए का स्पेंडिंग करते हैं इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ओला, उबर या जोमेटो पर, तो ऐसे केसेस में आपको 4% का कैशबैक यानी कि 40 रुपीज रिटर्न में मिलेंगे। और इसके अलावा जितनी भी जगह पर इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप करते हैं, हर एक एलिजिबल ट्रांजेक्शन पर आपको 2% तक का कैशबैक मिलेगा। लेकिन कैशबैक को लेकर एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सितंबर 1, 2023 से पहले कैशबैक को लेकर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो अलग थे, लेकिन 1 सितंबर 2023 के बाद से इस कार्ड के कैशबैक के रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो चुके हैं। सितंबर 1, 2023 के बाद अगर आप लोग इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 4% एंड 5% की कैटेगरी में मैक्सिमम रिवॉर्ड मिलेगा 500 रुपीज का पर मंथ में। लेट्स अगर आप लोग 4% और 5% की कैटेगरी का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर आपके जो रिफंड का अमाउंट होता है, जो कैशबैक का अमाउंट होता है वो 500 से ज्यादा का होता है, तो ऐसे केसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज का कैशबैक ही मिलेगा। लेकिन ये 2% वाली कैटेगरी में कैशबैक अनलिमिटेड है, आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतने पर आपको 2% का कैशबैक मिलते जाएगा। इसके बाद सेकंड बेनिफिट होता है कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस का। एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर आप लोग एक्टिवली करते हैं और एक पर्टिकुलर लेवल तक इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को एयरपोर्ट्स पर 1 साल में फ्री डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिलते हैं, वो भी 4। और इसके बाद नंबर 3 पर फ्यूल सरचार्ज वेवियर की बात की जाए तो आप लोगों को यहाँ पर 1% तक का फ्यूल सरचार्ज वेवियर मिलता है। लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपके ट्रांजेक्शन का अमाउंट मिनिमम 400 रुपीज का होना चाहिए और मैक्सिमम इस ट्रांजेक्शन का अमाउंट होना चाहिए 4000 रुपीज का। और इसके अलावा एक और एडिशनल बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर आप लोगों को 1 महीने में 500 रुपीज तक का ही फ्यूल सरचार्ज वेवियर मिलेगा। इससे ज्यादा का फ्यूल भरवाते हैं तो इससे ज्यादा आपको फ्यूल सरचार्ज नहीं मिलेगा, और इस फ्यूल सरचार्ज पर जो जीएसटी लगती है उस जीएसटी के अमाउंट का भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। मतलब कि आपको जीएसटी तो पे करना ही पड़ेगा। इसके अलावा डाइनिंग डिलाइट का भी काफी अट्रैक्टिव बेनिफिट्स आपको एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलता है। इंडिया में एक्सिस बैंक के 4000 से भी ज्यादा पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं, और अगर आप लोग एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इन रेस्टोरेंट्स में करते हैं तो आपको अप टू 20% तक का डिस्काउंट ऐसे ही मिल जाएगा। और सबसे खास बात तो यह है कि 2500 के ऊपर के ट्रांजेक्शंस को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ईएमआई में। इसके बाद चलते हैं फीस एंड अदर चार्जेस की कैटेगरी पर। अगर इस कार्ड के फीस की बात की जाए तो इस कार्ड के ज्वाइनिंग फीस पे करनी पड़ती है आपको 499 प्लस जीएसटी की। लेकिन अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड के एक्टिव होने के विद इन 45 डेज में 10,000 की स्पेंडिंग करते हैं तो 10,000 की स्पेंडिंग करने की वजह से यहाँ पर ये फीस जो है वो वेव ऑफ हो जाती है और आपको कोई भी ज्वाइनिंग फी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। इसके बाद एनुअल फीस की बात की जाए तो सेकंड ईयर से आपके एनुअल फीस लगना भी शुरू हो जाती है, जहाँ पर इस कार्ड की एनुअल फीस का अमाउंट भी 499 प्लस जीएसटी का है। लेकिन अगर आप लोग 1 साल में इस क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल करते हैं 2 लाख रुपए का, तो ऐसे केसेस में आपके लिए एनुअल फीस भी वेव ऑफ हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रेंट पेमेंट के लिए करते हैं या वॉलेट रिलोड करने के लिए करते हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन यहाँ पर एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कैश विड्रॉ करेंगे तो आप लोगों को 100 रुपीज की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी कैश के साथ में। इसके अलावा आप लोगों को इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में डिटेल में जानना है तो इस क्रेडिट कार्ड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन
में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? सबसे पहला क्राइटेरिया आता है एज फैक्टर का। आपकी एज 18 ईयर से लेकर 70 ईयर के बीच में होनी चाहिए, तब आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड चीज, अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो आप लोगों का एक्सिस बैंक का एज क्रेडिट कार्ड काफी आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक्सिस बैंक का अकाउंट नहीं है तो ऐसे केसेस में आप लोग गूगल पे के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर ऑफर शो किया जाता है। लेकिन अगर इससे भी फायदा नहीं हो रहा है तो आप लोग डायरेक्टली एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर जाकर इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल इस कार्ड का इस्तेमाल मैं 3 साल से करते आ रहा हूं, तो यहां पर इस कार्ड का बेनिफिट बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। बाय द वे, एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है और आप लोग कौन कौन से कार्ड का इस्तेमाल करते हैं कमेंट करो और बताओ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।